धर्मदंड मराठी वृत्त लड़ा सत्याचा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करा। ओम शांति। आज विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सारे जगत के अंदर सबसे बड़ा विश्व प्रख्यात यह विद्यालय है, जो कि संस्था का प्रारंभ किसी साधारण मनुष्य या कोई साधु संत या फिर किसी महान आत्मा धर्म आत्मा ने नहीं, बल्कि सारे सृष्टि का रचनाकार निराकार परम ज्योति परमात्मा शिव पिता ने एक साकार प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका नाम है, इस साधारण तन का आधार लिए गए 1936 साल में सिंध हैदराबाद कराची में इस संस्था का परमात्मा ने स्थापन किया। आज वर्तमान समय यह संस्था अपने ही भारत राजस्थान माउंट आबू अरावली पर्वत पर आज इसकी मुख्य शाखा है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज हर एक सेंटर्स पर सारे जगत के अंदर, जो 140 देशों के अंदर यह शाखा कार्य करती है, और साथ ही आज जो इस छोटे से गांव मुरुम शहर में गए कंप्लीट 25 साल से लेकर के यह ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य चलता है, जिसके निमित्त आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी, ब्रह्मा कुमार रतन भाई जी इस संस्था के निमित्त माध्यम बने हुए हैं, जिनके साकार पालना के द्वारा हम सभी निमित्त बहने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर के अपना जीवन समर्पण करके परमात्मा का सत्य परिचय सारे जगत के अंदर देने का एक विशाल कार्य यह संस्था कर रही है। आज हम सभी यहाँ पर परमात्मा शिव जी के अवतरण का दिवस महाशिवरात्रि मनाने हेतु हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भक्ति मार्ग में सारे 365 दिन आते हैं और चले जाते हैं। सभी दिन और रात्रि का इतना महत्व नहीं, लेकिन सारे साल के अंदर एक रात्रि का इतना बड़ा महत्व, जिसे हम सभी महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो क्या है यह महाशिवरात्रि, जो कि स्वयं शिव रात्रि का समय, अर्थात यह जो सृष्टि पर अभी कलयुग का जो घोर अंधकार का समय अभी आया हुआ है, जिस कलयुग को हम केवल कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग कहते हैं, तो ऐसे घोर कलयुग के अंधकार के समय परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होने का यह प्रतीक महाशिवरात्रि हम सभी मनाते। इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर कहा जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, अर्थात परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर वर्तमान समय हम सभी मनुष्य, जो प्रत्येक नर और नारी जो पांच विकारों के वश आज हो गए हैं, इन सभी मानवों को विकारों से निकाल कर उनका जीवन संपूर्ण स्वच्छ पवित्र योगी जीवन बनाने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, और आज उसी का यादगार पर्व महाशिवरात्रि के रूप में हम सभी भक्तगण सभी मिलकर के मनाते हैं। जैसे परमात्मा शिव का जहाँ भी हम मंदिर दिखाते हैं, साकार मनुष्य का चित्र न दिखाते हुए एक ज्योतिर्लिंगम के रूप में मनाते, क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति है। निराकार का अर्थ जिसका साकार और आकारी कोई भी प्रकार का मानव के समान देह न होते हुए वह एक ज्योति स्वरूप है। यह केवल एक ब्रह्मा कुमारी संस्था ही नहीं, हर एक धर्मों के धर्म पिताओं ने भी यही संदेश दिया हुआ है। जैसे कि गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार निराकार, साथ ही क्राइस्ट जी ने, यीशु जी ने कहा कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट कह करके, साईं बाबा ने सभी को संदेश दिया सबका मालिक एक है, जिसका ज्योति स्वरूप निराकार के रूप में दिखाया गया। तो यह परमात्मा केवल कोई हिंदू, कोई इस्लाम, कोई बौद्ध या क्रिश्चियन का नहीं, इस सारे संसार के अंदर जितने भी हम आत्माएं हैं, हम सभी आत्माओं का पिता वह निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव ही है। शिव इसका अर्थ ही है कल्याणकारी, जो सारे जगत के आत्माओं का कल्याण करता वह पिता है। और उसका अवतरण का समय ना ही
कलयुग के समय में परमात्मा अवतरित होते हैं, ना सतयुग के समय में। परमात्मा का अवतरण जैसे भगवत गीता के अंदर सबसे पहला वचन परमात्मा ने दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरा पर धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म जब बढ़ता है, तब तब मैं पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होता हूँ। तो अभी समय वह चल रहा है जो परमात्मा कल्प के संगम युगे इस धरा पर अवतरित होकर के हम मनुष्यों को विषय विकारों से छुड़ाकर अभी सभी मनुष्य को लक्ष्य देता है कि हे मानव, तुम साधारण केवल एक मानव नहीं, बल्कि तुम्हारा जीवन देव तुल्य है। जो इस सृष्टि का आदि सतयुगी स्थान, जिसे सतयुग के रूप में हम जानते हैं, जहाँ पर केवल मनुष्य ही नहीं, सभी मनुष्य दैवी गुणों से युक्त थे, तो अभी हर एक मनुष्य को विकारों से छुड़ाकर वापस उसी देव तुल्य को प्राप्त कराने लिए वह निराकार परमपिता परमात्मा अभी इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। और यही अवतरण का उपलक्ष्य लेकर सभी मानव मात्र को यह ईश्वरीय संदेश देने लिए आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा मुरुम संस्था की ओर से आप सभी के लिए बहुत सुंदर रूप से देखावा किया गया है, जिसको नाम ही दिया है सहस्त्र शिवलिंग के रूप में नाम दिया है। देखने के लिए तो यह एक ही है, लेकिन सहस्त्र के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आने वाले 2 दिन तक इस प्रभु प्रसाद भवन में यह महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज सहस्त्र शिवलिंग का दर्शन आप सभी के लिए रखा गया है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस संस्था पर पहुँचें, यहाँ का परिचय भी लें, साथ ही सहस्त्र शिवलिंग का दर्शन भी करें। ऐसे आप सभी से नम्र निवेदन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि निमित्त आपल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आज प्रथमच आपल्या मुरुम शहरामध्ये शस्त्र ज्योतिर्लिंगाचं या ठिकाणी प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा मुरुममध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तर सर्व नागरिकांना, मुरुमवासियांना, आजूबाजूच्या सर्व परिसरातील सर्व भक्त भाविकांना मी विनंती करतो की या शस्त्र शिवलिंगाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, कारण आज महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं आपण अनेक 12 ज्योतिर्लिंगामध्ये पहाटे अमृतवेळेपासून लाईन लावतो दर्शनासाठी, आणि वेगवेगळ्या ज्योतिर्लिंगामध्ये आपण एक ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन करत असतो, पण या ठिकाणी हजारो ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन आपण करणार आहोत। खूप आमच्या सर्व भाई बहिणींनी मिळून खूप सुंदर असं हजारो ज्योतिर्लिंग या ठिकाणी स्थापन केलेलं आहे। तर सर्वांना विनंती आहे, याचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा, आणि आज महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना एक प्रतिज्ञा करायची आहे। आज आपल्यामध्ये जे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हे आकसारखे फुलासारखे विषारी फुलं आपल्या मनामध्ये आहेत, आणि हे आपलं मनबुद्धी जे दूषित झालेलं आहे ते आज शिव परमात्म्याला अर्पण करणं, हेच खरी महाशिवरात्री आहे। आज या अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये परमात्मा शिव या धरतीवर अवतरित होऊन आज वापस या नरकतुल्य सृष्टीला स्वर्ग बनवण्याचं कार्य खूप मोठ्या प्रमाणात या प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयामार्फत चालू आहे। आज मुरुममध्येही याची अनेक वर्षापासून शाखा आहे। तर आपल्या सर्वांना परत एकदा मी नम्र विनंती करतो की या सर्वांना या ज्योतिर्लिंगाचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा, ही कळकळीची आपल्या सर्वांना विनंती आहे। ओम शांती। धर्मदंड मराठी वृत्त, लढा सत्याचा। चॅनल लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा।